Hi everyone, how are you all? I am Kaushik, your maths mentor, and I welcome you once again to class 12th mathematics, जिसमें हम आज बात करेंगे कॉम्पोजिट फंक्शंस के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे बात करते हैं, ये देखते क्या कहती है. सो इसमें क्या है, देयर आर टू फंक्शंस f फ्रॉम x टू y एंड अनदर फंक्शन g फ्रॉम y टू z, देन द फंक्शन h फ्रॉम x टू z, देन द फंक्शन x h फ्रॉम x टू z गिवन बाय hx as g ऑफ fx इज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x इज द कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g. ठीक है, सो यहां पे मुझे पता आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, सो लेट्स सी इट डायग्रामेटिकली, यहां से आपको सब क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, सो बेसिकली क्या था, हमारे पास दो फंक्शन थे, f जो कि x से y में था, दूसरा फंक्शन g जो कि y से z में था. हुआ क्या, f ने किसी x इनपुट पे काम किया और हमें आउटपुट में दिया fx. क्या दिया, fx. अब ये fx जो कि y सेट को बिलोंग करता है और g जो कि y सेट को एज ए इनपुट काम करने वाला है, तो ये fx अब एज ए इनपुट जाएगा g के अंदर और हमें फाइनली एक आउटपुट मिलेगी g ऑफ fx, जिसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, लेट से फिलहाल के लिए y. ठीक है, ये वैसे ही है जैसे कि आपकी कुछ दो मशीन्स पैरेलली काम कर रही है किसी फैक्ट्री के अंदर. क्लियर, एक मशीन ने किसी रॉ इनपुट पे कुछ काम किया, हमें कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दिया fx, और फिर उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे दूसरी मशीन g ने काम करके हमें कुछ फाइनल प्रोडक्ट दिया y. ठीक है, सो दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ये डायग्रामेटिकली, और अगर हम मशीन के सेंस में देखें कि कैसे ये कॉम्पोजिशन हो रही है, दिस फंक्शन जो कि इनपुट x पे काम करके फाइनली हमें g ऑफ fx दे रहा है, ये जो एक फाइनली दो मशीन को मिला के एक मशीन बनी, दिस इज योर कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g, या फिर कॉम्पोजिट मशीन बोल सकते हैं हम इसको. ठीक, ये तो है डेफिनेशन. अगर मैं कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या डोमेन रेंज का थोड़ा अगर हम ध्यान रखें, तो हमें कुछ दो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, वो ये है. सबसे पहले तो ये इस g ऑफ f को एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है, इस g ऑफ f को एग्जिस्ट करने के लिए ये जो आपकी रेंज ऑफ f x है, रेंज ऑफ f, इट मस्ट बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g. ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से, किसी इनपुट x पे जब काम करके f मिला, अब f जो वैल्यूज है वो जब g में जाने वाली है, तो ऑब्वियसली जो f की रेंज है, मतलब जो f हमें दे रहा है, उन सारी वैल्यूज पे g आपका डिफाइंड होना चाहिए कम से कम. ठीक है, ऐसा नहीं है कि f आपको ऐसी वैल्यूज दे रहा है जिन पे आपका ये g जो डिफाइंड ही नहीं है, तो इसकी जो रेंज है इसकी डोमेन से बाहर ना हो जाए, इसकी जो रेंज है इट मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इन दिस फर्स्ट पॉइंट. और अगर ऐसा होता है तो जो आपकी ये जो h की डोमेन बनती है, दिस विल बी द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, x जो कि आपका कैपिटल x से आ रहा है, सच दैट x belongs to domain of f and fx belongs to domain of g. ठीक है, ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन, आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हुई है, बाकी हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसको और क्लैरिटी मिल जाएगी हमें कॉम्पोजिशन कैसे हो रही है फंक्शन. ऑलराइट, सो लेट्स सी एन एग्जांपल एंड देखते हैं कि कॉम्पोजिशन कैसे काम करती है. हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं. पहले कंसीडर fx इक्वल टू सम फंक्शन, लेट्स से मैं ले लेता हूं साइन स्क्वायर x और gx सम 2x प्लस 1. अगर मैं बात करूं g ऑफ fx की, हम इसको लिखेंगे g, जिसकी इनपुट है एफ एक्स. सो बेसिकली g की इनपुट जो कि x है सम, अब ये एफ एक्स बन गई है. सो हम f को g के अंदर डालने वाले हैं. सो टू टाइम्स x की जगह क्या आएगा, एफ एक्स कितना था आपका साइन स्क्वायर x प्लस 1, ये आपका फंक्शन बन गया g ऑफ एफ एक्स. सिमिलरली अगर मैं बात करूं f ऑफ जी एक्स की, ठीक है, तो अब g आपका f के इनपुट बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा साइन स्क्वायर और x की जगह आ जाएगा 2x प्लस 1. ठीक है, अ वेरी सिंपल एग्जांपल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ द कॉम्पोजिट फंक्शंस आर फॉर्म और ये कॉम्पोजिशन कैसे काम कर रही है. एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखते हैं. कंसिडर सम जी एक्स इक्वल्स टू लेट्स से रूट ऑफ एक्स एंड एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ
2 माइनस एक्स, ठीक है। क्वेश्चन मेरा यहां पे है, यू नीड टू फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शंस एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स। आप कॉम्पोजिशन कुछ ऐसे भी कर सकते हो कि एफ ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ के अंदर एक बार एफ चला गया, और या फिर यू कैन से जी ऑफ जी एक्स। और ये सिर्फ दो पे जरूरी नहीं है कि दो ही बार कर सकते हैं, आप कितनी भी बार कर सकते हो। आप एफ इसको वापस एफ के अंदर डालोगे तो आपका एफ ऑफ एफ एक्स बन जाएगा, आपकी तीन बार कॉम्पोजिशन हो जाएगी, ठीक है, उस तरीके से। सो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एफ ऑफ जी एक्स की। एफ ऑफ जी एक्स को मैं बनाता हूं तो जी एक्स आ जाएगा एफ की जगह, एफ है आपका कितना 2 माइनस रूट एक्स, तो ये बन जाएगा आपका 2 माइनस एक्स की जगह जी एक्स विच इज रूट ऑफ एक्स, ठीक है। हम इसकी डोमेन को डिफाइन करेंगे और डोमेन के साथ साथ इसकी रेंज निकालेंगे। सो डोमेन की बात करते हैं। डोमेन के लिए सबसे पहले ये बाहर वाले रूट को डिफाइन करने के लिए मेरे को ये 2 माइनस रूट ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यू कैन से दैट रूट ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2 एंड रूट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो आपका आ गया एक्स बिलोंग्स टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये इस वाले रूट को डिफाइन करते हैं, तो इस वाले रूट को डिफाइन करता हूं तो एक्स क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों को एक साथ डिफाइन करते हैं, इंटरसेक्शन देखते हैं, तो फाइनली मेरे को क्या मिलता है, एक्स बिलोंग टू 0 से बड़ा और 4 से छोटा, सो एक्स फ्रॉम 0 टू 4, ठीक है। तो ये बन गई डोमेन इसकी एफ ऑफ जी एक्स की। अब डोमेन बन गई तो रेंज निकाल लेते हैं। रेंज निकालना हमने ऑलरेडी सीख रखा है, बड़ा सिंपल है। चलो और भी देख लेते हैं, देखो ध्यान से। जब एक्स आपका 0 से 4 में जाएगा तो रूट एक्स आपका 0 से 2 में, एक्स 0 से 4 में, रूट एक्स आपका 0 से 2 में, और जब ये 0 से 2 में गया तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी 0, मैक्सिमम वैल्यू 2, जो ये माइनस के साथ है तो क्लियरली दिख रहा है कि ये आपको कहां से कहां वैल्यू देने वाला है, 0 पे 0 पे रूट 2 और 2 पे 0, तो ये आपका बन के आएगा 0 से रूट 2। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। चलो अगला फंक्शन देख लेते हैं, दैट इज जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स का ऑपरेशन करता हूं तो आप एफ जाने वाला जी के अंदर, यानी कि रूट के अंदर एक और रूट आ गया, कितना रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। अब बाहर वाले रूट को डिफाइन करने के लिए ये स्क्वेयर रूट को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, स्क्वेयर रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, तो अब इस स्क्वेयर रूट को डिफाइन करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 2 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यू कैन से एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2। तो बस यही आपकी डोमेन है। सो डोमेन आपकी बन गई कितनी, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 2, ठीक है। रेंज देख लो, माइनस इंफिनिटी से 2 में ये क्या देगा आपको, अंदर वाला रूट ऑब्वियसली स्क्वायर रूट है, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी में वापस एक बार रूट लगा दो तो क्या मिल गया, वापस आपको क्या मिल जाएगा, 0 से इंफिनिटी, ठीक है। तो ये बन जाएगी आपकी रेंज इस फंक्शन। सिमिलरली आप खुद से ट्राई करना एफ ऑफ एफ एक्स क्या बन रहा है उसकी डोमेन में, सिमिलरली जी ऑफ जी एक्स क्या बन रहा है और उसकी डोमेन। हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कॉम्पोजिशन को कुछ और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने बोला था आप कॉम्पोजिशन कितनी भी बार कर सकते हो, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखो ध्यान से, लेट से मेरा एफ एक्स है एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, और अगर आप जनरलाइज कर सकते हो तो हमें बताओ कि एफ ऑफ एफ अगर ये मेरे एन टाइम्स आ जाएंगे तो ये फंक्शन क्या बन के आएगा, ठीक है। तो चलो लेट्स सी, कुछ ना कुछ आपको पैटर्न मिल जाएगा इसमें अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो। सबसे पहले बात करते हैं एफ ऑफ एफ एक्स की।
सो एफ ऑफ एफ एक्स कोई दिक्कत है तो ये याद रखो कि एफ में अब एक्स की जगह एफ एक्स डालना है, तो एक्स की जगह एफ एक्स डालता हूं तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर एक्स की जगह एफ एक्स आ गया, नीचे रूट में भी एक्स की जगह एफ एक्स आ गया, तो ये बन गया आपका एफ एक्स का स्क्वायर। अब एफ एक्स क्या है वो उसको दोबारा एक बार रख दो, तो वहां से हमें ये मिल गया एक्स की जगह एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे को क्या मिल रहा है वन प्लस दिस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखो, न्यूमिनेटर में मेरे पास है एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जब इसकी स्क्वेयरिंग हुई तो ये बन गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे से रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर आपको मिला वन प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लो ध्यान से, और ये लास्ट स्टेप ध्यान से देखो, इधर है वन प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लिया तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया रूट में वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये चीज बनेगी दैट इज रूट है बाहर लगा हो तो रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, फाइनली आपको क्या मिल गया एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस टू एक्स स्क्वायर। आपको समझ आएगा होगा कि क्या होने वाला है, जैसे एफ ऑफ एफ एक्स यानी कि यहां पे बेसिकली जब एन इक्वल्स टू टू आपकी दो बार कॉम्पोजिशन होगी तो यहां पे एक्स स्क्वायर का यहां पे टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब जैसे मैं तीन बार कॉम्पोजिशन करूंगा यहां पे हमें लग रहा है कि तीन आ जाएगा, हम वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद जनरलाइज कर लेते हैं। ठीक है, सो तीसरा फंक्शन देखते हैं दैट इज एफ ऑफ एफ एक्स, तो उसके लिए मुझे इस एफ ऑफ एफ एक्स को वापस एक बार एफ एक्स में रख देना है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है मेरे पास वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, स्क्वायर से ये रूट कटेगा, ये वन प्लस टू एक्स स्क्वायर बनेगा, ये इधर एक्स का स्क्वायर, एलसीएम लिया तो आपको ये सारा कैंसिल होके मुझे तो क्लियरली नजर आ रहा है ये बन जाएगा वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज वेरी जनरल क्वेश्चन और आपको पैटर्न मिल गया, इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर मैं इस कॉम्पिटिशन एन टाइम्स कर लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज हाउ द कॉम्पोजिशन वर्क्स आउट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस एक्स, वन अपॉन वन माइनस एक्स हमें चाहिए एफ ऑफ एफ एक्स, दो बार कॉम्पिटिशन पे क्या मिल रहा है देन एफ ऑफ एफ एक्स, और अगर ऐसा है कुछ अब इसमें भी शायद अगर कुछ पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वो हमें देखना है, अगर मिल रहा है सो आई नीड यू टू फाइंड, ये मान लो 2000 बार अगर मैं कॉम्पोजिशन करूंगा बेसिकली तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो लेट्स सी कि इसमें कुछ क्या खास है, सबसे पहले बात करते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, दिस इज वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है, और देखो ये क्या मिल गया जल्दी से सिंप्लीफाई करके, एलसीएम लिया तो वन माइनस एक्स वन कर दिया माइनस एक्स, और ऊपर आ जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन नीचे माइनस एक्स, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, सो ये बन गया एफ ऑफ एफ एक्स,
f of fx का बन रहा है, इसको भी देख लो आगे, फिलहाल तो मैं कुछ नहीं नजर आ रहा, कुछ पैटर्न। आगे बढ़ता हूं तो इसको वापस ना रखूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 1 upon 1 minus x minus 1 upon x, और देखो ध्यान से क्या मिल रहा है, ये x ऊपर गया और नीचे का मिल गया x minus x minus minus प्लस का, नीचे आ गया आपका 1, यानी कि ये x आ गया, ठीक है। तो जब दो बार कॉम्पोजिशन करी तो आपका ये x माइनस वन अपॉन x, इसको मैं अगर कुछ f ऑफ 1 बोलता हूं और इसको मैं अगर कुछ f ऑफ 2x बोलता हूं, और इफ दिस इज सम f ऑफ 3x, थर्ड कॉम्पोजिशन की मेरे को वापस f मिल गया। क्लियर है कि अगर f3x है तो चौथी बार कॉम्पोजिशन करने पे ये x से तो जाएगा वापस x इसमें, तो x वापस यहां रखूंगा तो क्या मिलेगा, वही सेम थिंग, दैट इज f of 1x, और आप देख सकते हो कि ऐसे फॉलो करूंगा तो f of 5 कितना मिलेगा, ये वापस f of 1 को वापस x में डालूंगा तो क्या बन जाएगा, f of 2 के बराबर बनने वाला वो, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे अब आपका एक ये एक पीरियोडिसिटी शो कर रहा है, कितना पीरियड बन गया, 3 का, 3 के बाद आपका fx बन गया चौथे, वेल 3 के बाद वापस आपका क्या बन गया, f1 बन गया, ठीक है, चौथा, फिर दोबारा आपका एक बार f2 आया, और f ऑफ जो 6 होगा ना वो आपका किसके इक्वल होगा, f ऑफ 3 के इक्वल, f ऑफ 7 वापस आपका fx यानी कि f1x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मैं बड़ी आसानी से 2000 बार अगर इसकी कॉम्पिटिशन करता हूं तो पता कर सकता हूं कि ये वैल्यू क्या आने वाली है, कुछ नहीं, 3 का पीरियड है, 3 से डिवाइड कर दो, कितना बनता है 6, 18 और 20, फिर 6 और ये प्लस आपका रिमाइंडर बच गया 2, ठीक है। सो 3 के बाद मैं वापस 2 पे जाने वाला हूं, यानी कि ये आपको देगा f ऑफ 2x विच इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता कि f ऑफ 2001 क्या होने वाला है, तो ये 3 से डिवाइड होगा, आपको दे देता है f ऑफ 3 यानी कि x दे देता, और f ऑफ 2002 फिर रिमाइंडर आपका बचता कितना 1, यानी कि ये आपको क्या देता, उसके बाद अगला फंक्शन f ऑफ 1 वो क्या था 1 upon 1 minus x, ठीक है। तो इस तरह कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मे बी सिमिलर क्वेश्चन मिले जहां पे पीरियड 3 का आया, आपका पीरियड 4 का भी आ सकता है या फिर उससे ज्यादा का भी, ठीक है। पैटर्न मिल जाएगा तो हम कोई भी बड़े नंबर की जो कॉम्पिटिशन है उसकी वैल्यू ऐसे निकाल देंगे, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप कि यू आर गेटिंग की कॉम्पोजिशन में क्या क्या नया आ रहा है, और नया आ रहा है भले ही, बट बेसिक चीज वही है कि f ऑफ fx है तो f के अंदर fx, और f ऑफ gx है तो g वापस fx में जा रहा है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो ध्यान से इसमें क्या है, गिवन f एंड g आर टू पॉलिनोमियल्स such that degree of f is 4, आपकी f की जो डिग्री है 4 है, और ये क्या बोल रहा है, that f x and f of g of fx, f of g of fx has same roots, then you need to tell me the degree of g, so g की degree अब क्या हो जाएगी, ठीक है। यहां पे बड़ा important point note करने वाला है, basically regarding the composition of polynomials, ठीक है। तो अगर मैं पॉलिनोमियल्स की कॉम्पोजिशन करता हूं तो क्या होता है, देखो ध्यान से, बेसिकली अगर
कुछ एफ और जी या फिर जी ऑफ एफ एक्स अगर हो रहा है, सो इस पूरे जो नए फंक्शन एफ और जी याद रखें पॉलीनोमियल से, तो इसकी जो डिग्री होगी दैट विल बी इक्वल्स टू डिग्री ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ जी। ठीक है, एग्जाम्पल से आप देख लो और वेरीफाई कर लो। ठीक है, लेट्स से मेरा एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वेयर और जी एक्स है आपका सम एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब देखो ध्यान से, अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स करता हूं, ठीक है, यहां पे एफ एक्स की डिग्री 2 है, जी एक्स की डिग्री 3 है, एफ ऑफ जी एक्स करता हूं तो ये जी एक्स एफ में जाएगा, बेसिकली एक्स क्यूब माइनस एक्स का होल स्क्वायर होने वाला है। आप देख सकते हो मैक्सिमम अगर कितने वाले 2 × 2 = 6, क्यूब का स्क्वायर करोगे तो पावर 6 आने वाली है, तो यहां पे आपकी कुछ एक्स क्यूब वाली टर्म बनेगी, बाकी टर्म बनेगी एक्स की पावर 6 वाली टर्म बनेगी और बाकी टर्म बनेगी और हाईएस्ट पावर तो 6 से आने वाली है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी अब क्लियरली 6 विच इज नथिंग बट 2 × 3, इसी से ही आ रहा है। ठीक है, सो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम इस क्वेश्चन को बढ़ते। अब देखो ये क्या कह रहा था, एफ की डिग्री कितनी बताई उन्होंने 4, जी की डिग्री हमें निकालनी है और मैं मान लेता हूं इसकी डिग्री कुछ एन है। नेक्स्ट कंडीशन ये दे रखी है कि एफ और जी, एफ और जी ऑफ एफ एक्स के जो रूट्स है वो सेम है, इक्वल रूट्स है, सेम रूट्स है, तो क्या है वो तो मुझे पता नहीं, बट मैं कम से कम इतना तो कह सकता हूं कि अगर रूट सेम है तो डिग्री भी सेम होगी, तो बस एक ही काम करते हैं यहां पे, सिर्फ डिग्री डिग्री इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ एफ और डिग्री ऑफ इसकी सेम होगी, एफ की डिग्री कितनी है 4 और राइट हैंड साइड पे कॉम्पोजिशन हो रही है, सबसे पहले जी ऑफ एफ की डिग्री, इसकी डिग्री थी 4, इसकी एन, तो इसकी कितनी होगी 4 × n, फिर वापस एक बार एफ लगा दैट इज 4 × n × 4, तो ये बन गया 4 × 4 n। क्लियर, सो मेरे पास ये क्या बन रहा है, ऑल राइट, सो यहां पे कुछ गड़बड़ है, मेरे को मिल गया 4 = 16 n² और n² = 1/4, यहां से तो n मेरा कुछ भी नहीं निकल गया है। ओके, सो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस प्रॉब्लम, आई थिंक हमने कुछ जो गलती करी है वो ये है कि ये क्वेश्चन में चेंज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहां पे g को बाहर अगर मैं लेता हूं तो दिस इज बेसिकली g ऑफ f ऑफ g और सो ये था क्वेश्चन थोड़ा सा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो क्वेश्चन को मैंने शायद कुछ मिसलीड कर लिया, इट्स ओके। बाकी कैसे आपको आई थिंक आपको क्लियर आ गया, ये वाला पॉइंट नोट हो गया। अब इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन देखिए, इसकी डिग्री है 4, इसकी डिग्री कितनी है n मानी थी हमने, तो n इंटू 4 आपको कितना बन जाएगा 4n, और वापस एक बार n है तो ये बनेगा 4 × n² ठीक है, नाउ यू विल गेट द राइट आंसर। अब ये आपका कैंसिल होकर मेरे को क्या दे रहा है, n² = 1, और n² = 1 है तो इसका एक ही रूट है, पॉजिटिव रूट जो है n = 1, डिग्री आपकी पॉजिटिव। ठीक है, सो देयरफॉर फॉर दिस ऑल कंडीशंस टू सेटिस्फाई डिग्री ऑफ जी मस्ट बी इक्वल्स टू 1, सो हमारा आंसर है 1। ठीक है, चलो इस बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आप एक अदर क्वेश्चन और करो। ठीक है, कुछ थोड़ा सा चेंज होगा बट बेसिक कंसेप्ट ये लगेगा कि डिग्री हमारी सेम होनी चाहिए। सो लेट्स सी अदर प्रॉब्लम, तो चलो मैं क्वेश्चन देख के कर रहा हूं, कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है, सो लाइक दिस इज अनदर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, एफ फ्रॉम रियल टू रियल, एफ फ्रॉम रियल टू रियल इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन, इज अ पॉलीनोमियल
and given that f of x square plus x plus 3 plus 2 times f of x square minus 3x plus 5 equals to 6x square minus 10x plus 17 for every x belongs to real, for every x, then you need to find this fx. ठीक है, आपको पता करना है कि ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. देखो ध्यान से, सबसे पहले कि हमने अभी जो बात करी कि जब पॉलिनोमियल्स की कॉम्पिटिशन होती है तो डिग्री मल्टीपल होती है. ठीक है, ये इसकी डिग्री मुझे नहीं पता कितनी है, जैसे इसकी डिग्री कुछ एन है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2n. ठीक है, अगेन इसकी डिग्री कितनी है 2n, राइट हैंड साइड पे क्या है डिग्री 2 है, तो अगर ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है हर एक एक्स के लिए तो डिग्री डिग्री तो सेम होनी चाहिए. इसकी 2n 2n दोनों मिला के वापस 2n का प्लस है तो 2n हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे डिग्री कितनी 2n, राइट हैंड साइड पे कितनी 2, तो क्लियरली व्हेन n वापस यहां पे कितना आ रहा है 2, दैट मींस कि ये जो fx है इट मस्ट बी अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2 1 सॉरी, और अगर इसकी डिग्री 1 है तो ये कुछ ax plus b टाइप का, ये कि fx की डिग्री होनी चाहिए 1. अब आगे चलते हैं और आगे बात करें तो नेक्स्ट थिंग जो है, अब इस इक्वेशन को वापस नीचे लेके आते हैं. मुझे पता है कि डिग्री 1 है तो इसको रख रखो यहां पे a इंटू ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 प्लस b प्लस 2 टाइम्स दिस थिंग विच इज x स्क्वायर a इंटू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 प्लस b, और ये किसके इक्वल है 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 17 के. ठीक, अब क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, ये जो इक्वेशन है दिस इज होल्डिंग फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल, अगर ये हर एक x के लिए ट्रू है तो फिर आइडेंटिटी है, तो कुछ नहीं मैं सिंपल आपके कोफिशियंट कंपेयर कर लेता हूं, कोफिशियंट कंपेयर करता हूं, यानी कि x स्क्वायर कोफिशियंट जैसे क्या कर रहे हैं a और 2a कितना हो गया 3a और राइट हैंड साइड पे अपना 6, सो देयरफॉर आपकी a की तो वैल्यू आ गई कितनी 2. और b को निकालने के लिए आप x का कोफिशियंट कंपेयर कर सकते हो या कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर सकते हो. अगर मैं कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करता तो मेरे को कांस्टेंट टर्म कितनी इधर से 3a plus b एक तो है 3a plus b और इधर से है 2 that is 5 10a प्लस 2b और यहां से फिर मेरी कॉन्स्टेंट टर्म है 17 के इक्वल. ठीक है, सो 3a ये आ गया 13a, a कितना था आपका 2, तो 13 इंटू 2 ये आपका आ गया 26 प्लस 3b इक्वल्स टू 17, सो यहां से आपका 3b आ गया 26 माइनस 17 17 माइनस 26 दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच 9, सो देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3. क्लियर, सो जो आपका पॉलिनोमियल बन के आ रहा है जो रिक्वायर्ड आंसर इज इट इज 2x माइनस 3 fx. ठीक, सो डू रिमेंबर दिस क्वेश्चन और बेसिकली दिस कंसेप्ट कि जब पॉलिनोमियल्स की कॉम्पिटिशन हो रही है तो डिग्री कैसे हमें मिल रही है. क्लियर, आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करेंगे हम धीरे धीरे इस कॉम्पोजिशन को और बेहतर करते जाएंगे. आई होप कि आपकी काफी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई होगी, बट वी नीड टू सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
देखो ध्यान से, हमने ये इस तरह की कुछ कॉम्पोजिशन करी है, बट फिर भी एक बार ध्यान देखो, काफी बड़ा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है फंक्शन एफ वन है एक्स, देयर इज अनदर फंक्शन एफ टू विच इज वन माइनस एक्स, देयर इज अनदर फंक्शन एफ थ्री विच इज वन अपॉन एक्स, देन आई हैव एफ फोर इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस एक्स, एफ फाइव इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, और एक लास्ट एफ सिक्स है हमारे पास एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, सो ये छह फंक्शन दे रखे हैं। आगे है सपोज एफ ऑफ सिक्स और एफ ऑफ एम एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ फोर एक्स एंड एफ ऑफ एन एफ ऑफ फोर एक्स इक्वल्स टू एफ थ्री एक्स। तो आपको ये वैल्यू निकालनी है एम और एन की। ठीक है, सो एम और एन क्या होगा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा है बट हम करेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ये छह फंक्शन दे रखे, बड़े सिंपल से फंक्शन है। ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले यहां पे एक इक्वेशन हमें दी है एफ ऑफ सिक्स के अंदर कुछ एफ ऑफ एम एक्स रखा, ऑब्वियसली एम इन्हीं में से किसी की बात कर रहा होगा, कि एफ छह वाले फंक्शन के अंदर मैं इनमें से कौन सा रख दूं कि चार वाला बन जाए। ठीक है, छह वाले फंक्शन के अंदर मैं इनमें से कौन सा रख दूं कि मेरे को चार वाला मिल जाए, दिस इज समथिंग वी नीड। सो बड़ा सिंपल है, हम बढ़ाते हैं, हम छह वाले के अंदर एफ ऑफ एम रख देते हैं, छह वाला देखू तो ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो इसके अंदर एफ एम रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, सम एफ ऑफ एम एक्स माइनस वन अपॉन नीचे एफ ऑफ एम एक्स, और ये किसके इक्वल है एफ ऑफ फोर, सो एफ ऑफ फोर हमारा कितना है वन अपॉन वन माइनस एक्स। ओके, तो यहां से हमें चाहिए क्या एफ ऑफ एम एक्स, सो क्या कर सकते हैं आगे, तो आप क्रॉस मल्टीफाई करो, यहां से एफ एम निकाल लो और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो स्टेप्स को तो वो करके देख लो। चलो जो भी है हमारे पास, इसको मैं करता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मेरा क्या बनता है एफ ऑफ एम इंटू वन माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एम एक्स। ठीक है, इसको ले जाओ तो मेरे पास क्या बनता है, ये वन माइनस एक्स माइनस वन आ जाएगा, सो माइनस का एक्स इंटू एफ एम एक्स और ये उधर चला गया, तो ये क्या बन गया वन माइनस एक्स। सो क्लियरली इसको नीचे लेके जाओ, मेरे को क्या मिल गया एफ ऑफ एम एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, वापस कितना मिल गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी सिक्स। वाह, सो यहां पे एम की वैल्यू कितनी आ रही है छह, क्योंकि ये जो एफ ऑफ सिक्स है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो भी इक्वेशन थी कि छह वाले फंक्शन के अंदर अगर मैं वापस छह डालता हूं तो आपका बन जाता है एफ ऑफ फोर। ठीक है, सो जल्दी से नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या डाला कि बाहर अब एफ एन है, अब ये बोल रहे हैं कि एफ एन जो भी फंक्शन है एफ ऑफ फोर जब इसके अंदर जाएगा तो आपका क्या बनता है एफ ऑफ थ्री बनता है। सो इसको करते हैं, सबसे पहले इसको एक बार दोबारा देख लो, कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, कुछ नहीं था छह वाले के अंदर एफ एम, मुझे नहीं पता एफ एम क्या था, मैंने एफ एम रख दिया सिंपली, यहां पे एफ एम रखा, ये इक्वेशन बनी राइट हैंड साइड पे, ये एफ ऑफ फोर को रखा सिंप्लीफाई करा तो आपका एफ एम ये एफ ऑफ सिक्स के इक्वल आ गया, तो देयरफॉर एम इज इक्वल टू सिक्स। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एम यहां पे आपका आ चुका है छह,
एफ ऑफ एन मुझे नहीं पता एफ ऑफ एन क्या है, सो एफ ऑफ एन के अंदर क्या रखने वाला हूं, एफ ऑफ फोर, फोर कितना आपका वन अपॉन वन माइनस एक्स, और ये एफ ऑफ थ्री के इक्वल है, एफ ऑफ थ्री आपका कितना है दैट इज वन अपॉन, ठीक है मैं क्या काम करता हूं इसको कुछ वाई मान लेता हूं, ठीक है ये वन अपॉन वन माइनस एक्स को कुछ वाई या कुछ भी टी पैरामीटर मान लेते हैं, तो आप देखो ध्यान से ये अगर टी है तो एक्स कितना होगा यहां से, ठीक है सो इट इज इसको लेकर क्या आता है वन माइनस एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन टी, और ये लेकर क्या आता हूं तो एक्स इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच वन माइनस वन अपॉन दैट इज टी अपॉन टी माइनस वन अपॉन, ठीक है जस्ट चेक द कैलकुलेशन कुछ गलती तो नहीं है, ये वन अपॉन टी वन माइनस एक्स इसको लेकर क्या है तो हमारे पास कितना बन रहा है ऑल राइट टी माइनस वन अपॉन टी दिस इज एक्स। अब वापस इसी क्वेश्चन में एक बार मैं दोबारा देखू इसको मैंने कितना रख लिया टी, तो ये बेसिकली एफ ऑफ टी इधर एन है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे वन अपॉन एक्स, एक्स ये तो वन अपॉन एक्स उल्टा हो गया दैट इज टी अपॉन टी माइनस वन। अब ये कौन सा क्वेश्चन है टी अपॉन टी माइनस वन, टी अपॉन टी माइनस वन कितना फाइव, ठीक है सो क्लियरली एन कितना आपका फाइव, ओके सो छह फंक्शंस थे बाकी जो भी दो इक्वेशंस थी कैसे हमने देखा आपने होप कि ध्यान से देखा होगा और समझ में आया, ज्यादा मुश्किल नहीं था, जो भी है बेसिक अलजेब्रा है जिसके अंदर जो रखना है वो रखते जाओ और उसके आगे आपको खुद ही दिख जाएगा कि क्या करना है, ज्यादा कोई बहुत इसमें सोचने वाला काम नहीं है। चलो आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम इसको बेहतर करते जाएंगे दैट इज कॉम्पोजिट फंक्शंस को, ठीक है चलो एक काम करते हैं फिलहाल के लिए हम यहीं पे रुक रहे हैं, ठीक है और हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस को लेके आऊंगा मैं बेस्ड ऑन कॉम्पोजिट फंक्शंस एंड सम प्रीवियस कंसेप्ट्स, ज्यादा मुश्किल नहीं है तो आप खुद से एक बार ट्राई करो और जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू राइट कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट्स लिखो या फिर जिनके पास मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट है वो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, हम आपके डाउट्स को या तो क्लासरूम में ले लेंगे या फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है सो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझो। इसमें अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, ठीक है जब फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड होते हैं तो उसको मैं अलग से नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा काफी बड़ा सा काम है सो इट नीड अ लॉट मोर टाइम फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग, तो नेक्स्ट पार्ट में हम उसको कंप्लीट करेंगे और फिर आगे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे दैट इज कॉम्पोजिट फंक्शंस के ऊपर, ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक